तीन दिन से चिल्ला रही हूँ कि ब्लड प्रेशर की दवाई ख़त्म हो गई है, मगर किसी के कान पर जू नहीं रेंगे। अब नहीं निकली ना दवाई पत्ते में से, सारा दिन क्या करूँगी अब। दादी सदके, क्या हुआ मेरे बच्चे को? हाँ इधर आ, इधर आ। रजिया ने डांटा होगा ना, कह दिया होगा कुछ? वो तो वैसे ही तेरे पीछे पड़ी रहती है, हर वक्त लान तान करती रहती है। क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, बस अगर आप ना होती तो पता नहीं क्या होता। मैं आपको दबा दूं थोड़ा सा? एक बात सोचा था कि आज सैर करने चलते हैं, सिर्फ मैं और आप। हाँ क्यों नहीं, ऐसा कर, डॉक्टर के यहाँ ले जा मुझे। मैं सैर करने की बात कर रहा हूँ, आपको डॉक्टर की पड़ गई है। तो फिर चल बाजार चलते हैं फिर, मैंने चादर भी एक लेनी है और जूता भी एक लेना है। दादी वो वापसी पे कर लेंगे ना, अब एक काम करते हैं हम लोग जकिया चाची की तरफ चलते हैं। अरे हट, अरे मुझे घूमने लेकर जा रहा है, मेरा दिमाग घुमा रहा है। अरे मैंने नहीं जाना उसके यहाँ, उस दिन से पलट के उसने मेरा हाल तक नहीं पूछा। लड़ाई हुई है रजिया के साथ, सास का क्या कसूर है भाई, सास को ही भूल गई। पता मुझे आपका ख्याल आ रहा था दादी, मुझे पता आपका दिल करता है मोनस और माही से मिलने का, है ना? आए सच बड़ा दिल करता है, पर क्या करूं, दिल पे पत्थर रख लिया मैंने। खैर जब जकिया नहीं पराया कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं भाई, मगर मैं भी अपने चहेते पोते पर अपने सारे अरमान निकालूंगी। तेरे लिए चांद सी दुल्हन ढूंढ के लाऊंगी, और तेरी माँ ने मुझे पूरा इख्तियार दे दिया है हाँ तेरी दुल्हन ढूंढने का। ये तो और भी अच्छा हो गया दादी। हा? तो फिर एक काम करते हैं। हाँ एक काम करते हैं, चलते हैं वहां पे जकिया चाची के घर और वहां ढूंढ ढूंढते दुल्हन, ठीक है? नहीं अब सोचे ना, उनके मोहल्ले में जाएंगे तो जकिया चाची कितना जलेंगी, उनको जलाने का सबसे बेस्ट तरीका है दादू। अरे दफा दूर, हम क्यों जाने लगे उसके मोहल्ले में, वैसे भी उसके मोहल्ले में तो सिर्फ ऊंचे दांतों वाली लड़कियां। सब तो नहीं है, मतलब कोई तो होगी जो नीचे दांतों वाली है, उसको यहाँ ले आएंगे जिसकी वजह से इस घर में रोशनी ही रोशनी हो जाए। ना भैया इतनी दूर नहीं जाती मैं, पहले अपने अड़ोस पड़ोस में देखूंगी, अपने मोहल्ले में देखूंगी, अगर यहाँ कोई अच्छी लड़की नहीं मिली ना तो फिर कहीं और जाएंगे, क्या के मोहल्ले में नहीं। ला भी दो चार।